नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाइक्स रिव्यू चैनल में। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो मैंने आप सभी लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई एक टॉपिक पर बनाई है। ये टॉपिक ऐसी है जिसके कई क्वेश्चंस मुझे अक्सर कमेंट बॉक्स में देखने को मिलते हैं, जो आप सब हमेशा पूछते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं होंडा एसपी 125 BS6 बाइक की एको लाइट या फिर एको मोड के बारे में। क्यों हमारी होंडा एसपी 125 BS6 बाइक में ये एको लाइट दी गई है और ये क्यों जलती है और एको मोड का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीज़ों के पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज मेरे इस चैनल बाइक्स रिव्यू पर नए आए हैं वो उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को टच कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी एसपी 125 बाइक को ऑन करते हैं, आपको एक ग्रीन कलर की लाइट जलती हुई दिखती है सबसे ऊपर में और वहां पर लिखा है एको, यानी ये है एको लाइट जो कि एक बार ब्लिंक होकर बंद हो जाती है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है, पहले एक बार आप पूरे मीटर कंसोल को देख लीजिए कि किस तरह से हम ऑन करते हैं और ये लाइट ब्लिंक होती है। तो ये है होंडा एसपी 125 की डिजिटल मीटर कंसोल। तो दोस्तों, होंडा एसपी 125 BS6 बाइक की मीटर में आपको एक एको लाइट देखने को मिलती है। ये एको लाइट तभी जलती है जब आपकी बाइक एको मोड में चल रही होती है। अब ये एको मोड क्या होता है? तो एको मोड का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमी मोड। इकोनॉमी मोड यानी जब आपकी बाइक बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है बेटर माइलेज के साथ, तब ये लाइट जलती है और आपको इंडिकेट करती है कि इस वक्त आपकी बाइक बेटर परफॉर्मेंस दे रही है और बेटर माइलेज दे रही है, तो आप इसी स्पीड को कैरी ऑन कीजिए और कॉन्स्टेंट चलिए और आपको बेहतरीन माइलेज मिलेगी। तो दोस्तों, अब माइलेज का जो फंडा होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली होती है आपकी बाइक की स्पीड और दूसरी होती है आप कौन से गियर में चल रहे हैं। तो ये एको मोड आपको ओवरऑल यही बताती है कि आपकी बाइक इस गियर में इतने स्पीड पर चल रही है और आपको बेटर परफॉर्मेंस दे रही है, और जैसे ही आपको बेटर परफॉर्मेंस उस गियर में उस स्पीड पर मिलना शुरू होता है, ये एको लाइट जल जाती है वहाँ पर। तो दोस्तों, पिछले 9 महीनों में मेरी बाइक में मैंने ये कैलकुलेट किया है कि मैं जब भी एको मोड के सहारे चला हूँ मुझे बेटर माइलेज मिली है, और इसका प्रूफ भी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में थोड़ी ही देर के बाद आप सभी लोगों को। और दोस्तों, अगर आप मुझसे गियर वाइज स्पीड पूछते हैं इस बाइक के लिए जो बेटर होगी बाइक को एको मोड में चलाने के लिए, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, यहां पर दूसरे नंबर गियर में अगर आप 18 की स्पीड पर चल रहे हैं तो आपकी बाइक एको मोड को फॉलो करेगी और आपकी बाइक एक बेटर परफॉर्मेंस देगी। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, आपकी बाइक में 18 की स्पीड पर दूसरे नंबर गियर में एको लाइट जलती हुई मिल जाएगी आपको। वहीं अगर आप मुझसे तीसरे नंबर गियर के बारे में पूछते हैं, तो तीसरे नंबर गियर पर अगर आप अपनी बाइक को 25 से 26 की स्पीड पर चला रहे हैं तो आपकी बाइक एको मोड को फॉलो करेगी और बेटर परफॉर्मेंस देगी और एको लाइट भी आपको जलती हुई दिख जाएगी वहां पर। तो चौथे नंबर गियर पर अगर आप अपनी बाइक को एको मोड में चलाना चाहते हैं तो आपको फॉलो करनी होगी 34 की स्पीड को, यानी चौथे नंबर गियर में 34 की स्पीड पर आपकी बाइक एको मोड को फॉलो करेगी और आपकी बाइक बेटर माइलेज प्रोवाइड करेगी, साथ ही वहां पर एको लाइट भी जलती हुई दिखेगी आपको। और आखिर में दोस्तों, पांचवें नंबर गियर के लिए मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप अपनी होंडा एसपी 125 BS6 बाइक को 49 से 50 की स्पीड के बीच में रखें ताकि आपकी बाइक बेटर माइलेज दे सके, एको मोड को फॉलो करे और एको लाइट भी ब्लिंक होते रहे। इससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा और बेटर माइलेज मिलेगी। अब कई लोग कमेंट में मुझे ये आकर बोलते हैं कि मैं जो एनालिसिस करता हूं और मैं जो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को देता हूं ये रॉन्ग होते हैं। तो उनको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आज मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी है जो मैं अभी आप सब लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। इसी एको मोड को फॉलो करने के बाद मेरी होंडा एसपी 125 BS6 बाइक ने मुझे प्रोवाइड किया है 81.2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। ये माइलेज मुझे एको मोड फॉलो करके हाईवे पर मिली है, न कि मार्केट रोड्स में। इसीलिए मैं क्लेम नहीं करता हूं आप सभी लोगों को कि आपको भी यही माइलेज मिलेगी, लेकिन एको मोड फॉलो करने से मुझे बेहतरीन माइलेज मिली है और मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप एको मोड में अपनी बाइक को चलाकर एक बेहतरीन माइलेज पाइए और साथ ही अपनी बाइक की इंजन को भी सेव कीजिए। दोस्तों, अक्सर हम जोश में आकर होश खो देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारी बाइक बहुत पावरफुल है तो हमें इसे पूरे पावर तक चलाना है,
ये सोच अच्छी है, लेकिन इससे हमारी बाइक की हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। यानी हमारी बाइक जो लॉन्ग रन में अच्छी चलने वाली थी, उसकी हेल्थ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है जब हम उसे उस एक्सटेंट तक चलाते हैं। जैसे हम कभी कभी बहुत ज़्यादा रश ड्राइव करते हैं और टॉप स्पीड पर भी लेकर जाते हैं अपनी बाइक को, तब हमारी बाइक की हेल्थ भी कमज़ोर होती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी लोगों को कि आप सभी लोग अपनी बाइक को इको मोड में चलाएँ और अपनी बाइक को सेव करें फॉर लॉन्ग रन फॉर फ्यूचर। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी टिप फिर से बता देना चाहता हूँ। ये जो इको मोड की लाइट है, इसे आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बाइक को ऑन किया है, लेकिन मेरी बाइक की इको लाइट जो है वो ब्लिंक नहीं हुई है, क्योंकि मैंने उसे बंद करके रखा है। इसे ऑफ और ऑन करने के लिए आपको ये सेटिंग्स फॉलो करनी है। सबसे पहले अपनी बाइक की टोटल किलोमीटर्स तक जाएं और उसके बाद सेलेक्ट और सेट बटन दोनों को साथ में दबाएं। इन दोनों बटन्स को एक साथ दबाने के बाद आपकी बाइक की इको लाइट ब्लिंक होने लगेगी और नीचे मीटर कंसोल पर ऑफ या ऑन लिखकर आ जाएगा। अगर आपकी इको मोड की लाइट ऑन है तो वहां पर ऑन लिखकर आएगा, अगर आपने ऑफ करके रखी है तो ऑफ लिखकर आएगा। इस ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट बटन के थ्रू। सेलेक्ट बटन जब आप एक बार दबाएंगे तो वहां अगर ऑन लिखा है इको लाइट के लिए तो वो ऑफ हो जाएगा, और अगर ऑफ लिखा है इको लाइट के लिए तो वो ऑन हो जाएगा। अब इस सेटिंग को सेव करने के लिए आपको सेट बटन को 3 बार दबाना है, और आपकी इको लाइट अगर ऑफ थी तो ऑन हो जाएगी, अगर ऑन थी तो वो ऑफ हो जाएगी। तो मेरी बाइक की इको लाइट को मैंने बंद किया था स्टार्टिंग में। आइए अब हम चेक करते हैं ये ऑन हुआ है या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी बाइक की इको लाइट ब्लिंक हो रही है वापस से, यानी कि फंक्शन वर्क कर चुका है। तो दोस्तों, ये छोटी सी टिप से आप अपनी होंडा एसपी 125 BS6 बाइक की इको लाइट को ऑफ और ऑन कर सकते हैं, और साथ ही इस ओवरऑल वीडियो को देखकर आप अपनी बाइक से एक बेटर माइलेज पा सकते हैं अपनी बाइक को इको मोड में चलाकर, इको लाइट को फॉलो करके। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट टिप आप सभी लोगों को देते हुए जाना चाहूंगा मैं, अगर आपकी बाइक BS6 बाइक है तो। दोस्तों, जैसे ही हम किसी BS6 बाइक को ऑन करते हैं, बाइक से एक ये छोटी सी बीप की साउंड आती है ऑन होने के बाद। ये साउंड आपकी बाइक की कंसोल को ऑन करने के बाद आती है, और ये साउंड इसलिए आती है ताकि आपकी बाइक इन्फॉर्म कर सके सारे सेंसर्स को कि अब आप एक्टिवेट हो जाओ और बाइक रनिंग मोड में आ जाए। तो दोस्तों, कभी भी अपनी BS6 बाइक के कंसोल को ऑन करने के बाद इस बीप के साउंड के बाद ही आप अपनी बाइक को सेल्फ स्टार्ट करें या फिर इलेक्ट्रिक स्टार्ट करें, क्योंकि इससे आपकी बाइक की कोई भी सेंसर खराब नहीं होगी। अगर आप इमीडिएटली अपनी बाइक को ऑन कर देते हैं बिना बीप साउंड खत्म हुए, तो आपकी बाइक के सेंसर्स खराब होने के चांसेस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ BS6 बाइक यूजर्स के लिए है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप BS4 बाइक के यूजर हैं तो आप जैसे अपनी बाइक को ऑन करते हैं उसी तरह से कीजिए, लेकिन BS6 बाइक में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, और होंडा एसपी 125 BS6 बाइक में टोटल 12 सेंसर्स लगे हैं। इनमें से एक भी सेंसर अगर खराब हो जाता है तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए अपनी बाइक को सेव करने के लिए जितने भी BS6 यूजर्स हैं, वो कंसोल बीप साउंड के बाद ही अपनी बाइक को सेल्फ स्टार्ट या फिर इलेक्ट्रिक स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो पर थम्सअप जरूर कर देना, यानी लाइक कर देना इस वीडियो को। इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और अपने सुझाव जरूर लिखना आप। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जिनके पास होंडा एसपी 125 BS6 बाइक हो। और अब दोस्तों, आप सब मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, और आपके जो भी सवाल हैं आप वहां इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर मुझे डायरेक्टली DM करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID है @bikes_review। तो अभी इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए, और फेसबुक का पेज है बाइक्स रिव्यू नाम से, तो उसे भी जाकर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, जाते जाते आप सभी लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट करते जाना चाहूंगा, प्लीज मेरे इस चैनल बाइक्स रिव्यू को सब्सक्राइब कर दीजिए। 83% ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने बाइक्स रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।